कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। 52 बुद्धि बाणिया 53 बुद्धि जाट, हरियाणा में ये कहावत बहुत मशहूर है। जैसे आज मनोहर लाल खट्टर को बदलने का फैसला किसी को समझ में नहीं आ रहा, ठीक उसी तरह इस कहावत का रिलेशन इस कहानी से डायरेक्टली नहीं है। कहावत के मतलब को समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने आज फिर बड़ा खेला कर दिया। इस बार खेला यूपी बिहार या हिमाचल में नहीं, देश के जाटलैंड हरियाणा में हुआ। पहले तो बीजेपी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटाया और उसके बाद उनका रिप्लेसमेंट नायब सिंह सैनी के रूप में ले आए, यानी कि कुरुक्षेत्र के सांसद जी अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जाटलैंड में शुरू हुई इस पॉलिटिकल रिवर्स स्विंग की वो कहानी जिसने आज देश भर की सियासत का केंद्र हरियाणा को बना दिया। सुबह 11 बजे पहले तो जाटलैंड हरियाणा से खबर आती है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा फैसला लेने वाली है, राज्य में कुछ सियासी उथल पुथल हो सकती है। और फिर उसके ही थोड़ी देर बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंडल की बैठक में सीएम मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद शुरू होती है पर्दे के पीछे की वो कहानी जिसने बनाया नायब सिंह सैनी को हरियाणा का किंग और दुष्यंत भाई को कर दिया जबरन रिटायर्ड हट। सियासी जानकारों की माने तो इस कलेश की शुरुआत आज से ठीक 3 हफ्ते पहले हुई, जब बीजेपी ने हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। जेजेपी जो हरियाणा में इस आशा में बैठी कि राज्य की 2 लोकसभा सीटें उन्हें चुनाव लड़ने में मिलेंगी, शायद यही बात बीजेपी के सीनियर नेताओं को नागवार गुजरी और दुष्यंत चौटाला को बगल में बैठाकर पहले तो लस्सी पिलाई, गरम गरम पराठे खिलाए और फिर कहा चलिए अब नमस्ते घर जाइए। पहले तो दुष्यंत को लोकसभा चुनाव में गठबंधन से बाहर किया और आज हरियाणा सरकार से। सूत्रों की माने तो जल्द ही दुष्यंत के विधायक और पार्टी के बड़े नेता भी इधर उधर भाग सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो दुष्यंत को भी लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश और राहुल गांधी की तर्ज पर हरियाणा जोड़ो यात्रा निकालनी ही पड़ेगी। इस पूरे मैटर में पॉलिटिकल मोए मोए दुष्यंत चौटाला के साथ हुआ। अब ये मोए मोए किस लेवल का है उसके लिए आपको कल सुबह 12 बजे चौटाला जी की प्रेस वार्ता का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहावत है ना, जिस पे बीतती है वही जानता है कि चोट कितनी गहरी है। आज के इस कलेश ने कांग्रेस के लिए हरियाणा में आपदा में अवसर का मौका दिया। अगर सब कुछ अगले 2 हफ्ते तक ऐसे ही रहा तो ये बात तो तय है कि बीजेपी अब की बार सारी सीटें तो नहीं जीत पाएगी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भगवा लहर के सामने सब हारे, क्या राहुल तो क्या हुड्डा। मोदी की सुनामी में बीजेपी ने हरियाणा की 10 में से 10 सीटें जीती और सबको बताया कि हरियाणा की 36 बिरादरियों का वोट उन्हें मिला है। इस चुनाव में रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा हारे तो वहीं उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सोनीपत से हार गए। इस हार ने हरियाणा कांग्रेस को 3 फ्रंट्स में बांट के रख दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, सब दिन दिन की बात है, सबके दिन फिरते हैं और नया सवेरा होता है। बस इसी इरादे के साथ कांग्रेस का टारगेट अब इन दोनों सीटों के जीतने का होगा, ताकि कांग्रेस हरियाणा से बीजेपी को 30% डैमेज कर सके। हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट काफी हॉट सीट मानी जाती है। बृजेंद्र सिंह यहां के मौजूदा सांसद हैं। बृजेंद्र ने बीजेपी के टिकट से ये चुनाव लड़ा, लेकिन एक दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा। 2019 के लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला बीजेपी के बृजेंद्र सिंह से 314,078 वोटों से हार गए। बृजेंद्र सिंह को इस चुनाव में 603,289 वोट मिले तो दुष्यंत चौटाला ने भी 289,221 वोट हासिल किए। चूंकि चुनाव से थोड़े वक्त पहले ही चौटाला परिवार में जमकर कलेश हुआ और पार्टी दो धड़ों में बटी, ऐसे में INLG छोड़कर दुष्यंत चौटाला ने नई पार्टी बनाई जिसका नाम जननायक जनता पार्टी रखा गया। पहली बार चुनावी मैदान में उतरी जेजेपी भले ही कोई सीट न जीत पाई, लेकिन उसका प्रदर्शन कई दूसरी पार्टियों से अच्छा रहा। ऐसे में आज मचे कलेश के बाद अगर अब हिसार सीट पर जेजेपी अजय चौटाला को मैदान में उतारती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट बचाना मुश्किल हो सकता है। आज जाटलैंड में मचे इस कलेश के पीछे की तीसरी बड़ी वजह विधानसभा चुनाव और जाट वोट बैंक हो सकता है। हरियाणा में लगभग 22% आबादी जाटों की है। पहले जाटों का झुकाव चौधरी देवीलाल की पार्टी की तरफ रहा, उसके बाद जाटों की आबादी का एक हिस्सा बंसीलाल के साथ चला गया। इस बीच जाटों ने ओम प्रकाश चौटाला का साथ दिया और वो मुख्यमंत्री बने। 2004 के बाद कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा ने जाट वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई और 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। मौजूदा वक्त में भी जाट वोट बैंक पर भी हुड्डा की मजबूत पकड़ है। ऐसे में भाजपा ने मुख्यमंत्री बदलकर और जेजेपी से गठबंधन तोड़कर गैर जाटों में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश की है। चूंकि राज्य में तकरीबन 22% वोट जाटों का है, ऐसे में बीजेपी का फोकस जाट वोटर्स को तोड़कर नायब सिंह सैनी और खट्टर के बैनर तले गैर जाट वोटर्स को साधना है, ताकि वक्त आने पर बीजेपी के बड़े नेता रैलियों में ये बात जोर जोर से कहें कि नायब सिंह सैनी ओबीसी हैं और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग का ध्यान रखती है। फिर चाहे बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की हो या नायब सिंह सैनी की, दोनों तरफ से बल्ले बल्ले तो बीजेपी की होगी।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।